मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अबू अल्तमस फैजी और उनके समर्थकों ने आज प्रहार टाइम्स के पत्रकार फिरोज हाशमी के साथ मारपीट की और उन्हें बंधक बना लिया, कैमरा भी छीन लिया और कैमरे से वीडियो भी डिलीट कर दिया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अबू अल्तमस फैजी का सोशल मीडिया में बिजली का बिल और मेंटेनेंस का पैसा नहीं जमा किया है, ऐसी खबरें वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि 34,090 रुपये का बिजली बिल बकाया है और भुगतान नहीं करने पर अबू अल्तमस फैजी का बिजली का मीटर भी महावितरण ने निकाल लिया है और मेंटेनेंस भी 57,100 रुपये बकाया है। इसकी पुष्टि करने के लिए जब प्रहार टाइम्स के पत्रकार फिरोज हाशमी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अबू अल्तमस फैजी से संपर्क किया, अबू अल्तमस फैजी ने इंटरव्यू देने के लिए अपने घर बुलाया। जैसे ही पत्रकार फिरोज हाशमी ने बिजली बिल और मेंटेनेंस का पैसा बकाया इस पर इंटरव्यू देने की बात कही तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अबू अल्तमस फैजी गुस्से में आ गए और उनके साथ 6 से 7 समर्थकों ने पत्रकार फिरोज हाशमी के साथ मारपीट की और उनका कैमरा भी छीन लिया और वीडियो भी डिलीट की। खुद को ईमानदार बताने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अबू अल्तमस फैजी ने खुद बिजली का बिल मेंटेनेंस नहीं जमा किया और पत्रकार से मारपीट कर रहे हैं। यानी मासूम सा दिखने वाला ये उम्मीदवार इतना खतरनाक है कि पत्रकार के साथ मारपीट कर रहा है, तो जनता के साथ ये उम्मीदवार किस तरह की हरकत करेगा? इस हरकत से ये साफ हो जाता है कि पहले चोरी फिर सीनाजोरी। खुलिए से भले ही ईमानदार और मासूम सा लगता है आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार अबू अल्तमस फैजी, मगर हरकतें इसकी गुंडों वाली है। और शहर में विकास की बात करता है अबू अल्तमस फैजी, खुद अपने ही घर का बिजली बिल मेंटेनेंस नहीं चुका पा रहे हैं तो शहर का विकास क्या करेंगे। इस घटना के बाद शहर के तमाम पत्रकारों में गुस्सा देखने को मिला और अबू अल्तमस फैजी के खिलाफ पत्रकारों ने क्या कहा है। दरअसल ऐसा था कि हमने जो है 2:30 बजे उनको फ़ोन किया, मैं बोला अल्तमस फैजी साहब जो है आपके खिलाफ जो है कुछ लोग वायरल कर रहे हैं जो है कि आप लाइट बिल नहीं भरे हैं, आप जो है ये टैक्स नहीं भरे, सोसाइटी के बिल नहीं भरे, ये सब क्या है, और भी चीज़ें हम इंटरव्यू के लिए बात करने गए थे। जैसे ही मैं गया उन्होंने मुझे बोले आ जाओ आप, मैं घर में गया, जैसे ही वो सीधा भड़क गए मेरे ऊपर, बोलते ऐसा कैसा, हाथापाई करने लगे, वीडियो डिलीट करो, हाथापाई करना शुरू कर दिए, वो बटन भी तोड़ दिए, ढकेल दिया बाहर इनको। क्या धक्का मुक्की वहाँ पर की गई थी? धक्का मुक्की वो खुद दाढ़ी रखे हुए हैं, टोपी लगाए हुए, 5 वक्त की नमाजी है, ईमानदार बनते हैं, अपने आप को सेकुलर बनते हैं, और वो जो है इस तरह से हरकत कर रहे हैं कि दाढ़ी टोपी लगा के सीधा धक्कम धुक्की पे उतर गए मालम पीटी पे और कैमरे के डिलीट कर दिए पूरा, जो कैमरे के हाल देखो पूरा। अच्छा, जो वहाँ पर आपने रिकॉर्ड किया था उसे उन लोगों ने डिलीट कर दिया? हाँ, डिलीट कर दिया और धमकी भी दिया, बोला चाहे जहाँ जाओ, मैंने बोला भी कि मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा अभी, तो बोलते चाहे जहाँ जाओ कुछ नहीं होने वाला। ये तो उम्मीदवार नहीं, पहली बात तो मैं इनको गुंडा कहूंगा, और एक कहावत है चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुम टैक्स नहीं जमा करोगे, लाइट बिल नहीं जमा करोगे, और जब वो वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग जब पूरा वायरल होगा और पत्रकार तुमसे सवाल पूछेगा तो तुम उनके साथ बदसलूकी करोगे, उनके साथ गुंडागर्दी करोगे, उनका कैमरा छीनोगे, ये कतई जो है पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली बात तो तुमने पहले बुलाया अपने घर में इंटरव्यू के लिए धोखे से, उसके बाद में पत्रकार के साथ मारपीट कर रहे हो, उनका कैमरा छीन रहे हो, बदसलूकी कर रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो देश का चौथा स्तंभ है, उनके साथ तुमने ऐसा किया है तो जनता का क्या हाल करोगे? ये तो बिल्कुल अराजकता फैल जाएगी। ऐसे लोगों को जो है हक नहीं है कि वो जो है चुनाव में खड़ा हो और विधायक बने, वो ऐसे लोगों को जो है कोई हक नहीं है। जनता जो है ऐसे लोगों को पहली बार धिक्कार देना चाहिए, क्योंकि ये सरासर जो है गुंडागर्दी है। तुम पत्रकार को मार रहे हो, उसका कैमरा तोड़ रहे हो, बदसलूकी कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले सवाल तो इस बात का है कि पत्रकार एक देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, और पत्रकार के ऊपर अगर किसी भी तरह से हमला कर दिया जाता है तो देश के संविधान और चौथे स्तंभ का वो हमला कहा जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर पत्रकार किसी भी नेता से अगर उसकी सच्चाई को पूछने की बात करता है और वो उस पर हमला कर देता है तो इससे ये पता चलता है कि उसकी मेंटेलिटी क्या हो सकती है। उसी के साथ साथ जिस तरह से हम 4 दिनों से मुमरा शहर के अंदर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वेल एजुकेटेड पर्सन आईएएस ऑफिसर सुलझे हुए लोग बात कर रहे थे, उनकी तरफ से एक पत्रकार के लिए इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, इस तरह की बातें आने वाली है, ये आएंगे तो ये अपने आप में तो
तो ऐसा ही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा कहा जाएगा इसको, कि ये जो दाढ़ी है इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ और भी जरूर दिखाई देता है। आज उसकी पहली झलक एक पत्रकार के साथ में आ चुकी है, जिस तरह से सुल्तान दादा रिजवी जी और सारे पत्रकार जो बात कर रहे हैं कि हमारे पत्रकार के ऊपर अगर कोई हमला होता है, हल्ला होता है, तो पत्रकार उसके लिए खामोश नहीं बैठेंगे और वो बर्दाश्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जब जब पत्रकार की अस्मिता की बात होती है, ये वही पत्रकार है जो कंकड़ को उठा के हीरा बनाने का काम करता है, ये वही पत्रकार है कि इन जैसे नेताओं को जिसको कोई गली मोहल्ले में नहीं पहचानता है उनको दुनिया की ऊंचाई पे ले जाने का काम करता है। अगर आज पत्रकार के गिरेबान पे हाथ डालने का काम किया गया है तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम जो है उनको देखने को मिलेंगे, जब पत्रकार सड़कों पर उतर के इनका विरोध करेंगे और इन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। आज जो हमला हुआ है प्रहार टीम पर, फिरोज हाशमी और जो टीम गई थी, ये तो पत्रकारिता का धर्म है कि अगर किसी बात की, अगर किसी घटना की अगर कोई जानकारी मिले तो वहाँ जाए उसकी पुष्टि करे। अगर उस पर हमला किया गया और वो भी उम्मीदवार जिसको पीएचडी पीपल साइंस में कहा जाता है, इतने जिम्मेदार और पीएम ऑफिस से रिलेटेड इतने पढ़े लिखे इंसान, और क्या उनके पास इतनी सूझबूझ नहीं है कि भारत का चौथा स्तंभ है पत्रकार? ये पत्रकारिता पर जो हमला, आज एक पत्रकार पर हमला हुआ, ये पूरे चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है और मैं इसकी निंदा करता हूँ और हमारे सारे पत्रकार साथी इसकी निंदा करते। ऐसी घटनाएं होती रहेगी तो चौथे स्तंभ पर प्रहार है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये एक जिम्मेदार उम्मीदवार को ऐसी हरकत करना चाहिए? उस बच्चे पर हाथ उठाना चाहिए? उसका शर्ट का बटन टूट गया, उसका कैमरा टूट गया, क्या ये झूठ है? चलिए आपने डिलीट कर दिया उसका जो भी है वीडियो रिकॉर्डिंग, जो उसने विजुअल जो उसका था वो रिकॉर्डिंग वो आपने कर दिया, ऑडियो ऑडियो नहीं कर पाए, ऑडियो है ना उसके पास, एविडेंस के साथ खड़ा है। बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, एक जिम्मेदार आदमी ने ऐसा काम किया, शेम ऑन हिम। मैं मांग करता हूँ ऐसे उम्मीदवार को चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। पढ़े लिखे होने के बाद भी सूझबूझ नहीं आपके पास? ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड अगर मीडिया के साथ है तो फिर आप लोगों के साथ क्या करेंगे? जो आप कैंडिडेट है उसको यही जानते थे, पढ़ा लिखा आदमी है, उच्च शिक्षित है, अपने को गर्व था कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम एक पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन आज उसकी जो हरकत जिस तरह के सामने आई है वो बहुत ही निंदनीय है। और हम तो नहीं लगता कि मतलब वो इस काबिल है कि वो कैंडिडेट होने लायक नहीं है। आप एक अच्छी पार्टी है लेकिन उसका कैंडिडेट इस तरह का व्यवहार पत्रकार साथ करता है वो बेहद निंदनीय है। और हम पुलिस विभाग से मांग करते हैं कि उनके ऊपर जल्द कार्रवाई की जाए, जो भी न्यायिक कार्रवाई है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और एक पत्रकार पर हमला कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पत्रकार ये देश का चौथा स्तंभ होता है, वो उनको बुलाए थे अपने से, पत्रकारों फिरोज अपने से नहीं गए थे, उनको बुलाया गया था और घर बुला करके किसी के साथ भी मारपीट करना, पत्रकार नहीं कोई भी रहे किसी को बुला कर घर में मारपीट करना, ये बेहद निंदनीय है। एक पढ़े लिखे सभ्य और एक शिक्षित आदमी को ये शोभा नहीं देता। आज हमारे फिरोज हाशमी उनके ऊपर हमला किया गया है, उनके साथ बदतमीजी की है। जो आम आदमी के कैंडिडेट जो है उनके, वो सच्चाई जानने गए थे पर उनके ऊपर हमला किया गया। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ प्रेस है और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनके सवालों का जवाब देने के बदले उन्होंने उन पर हमला किया है। हमारी ये मांग है कि पुलिस प्रशासन उनसे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो ये थे शहर के पत्रकार जो पत्रकार फिरोज हाशमी के साथ मारपीट के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ इनका गुस्सा फूट पड़ा है। अब अल्तमस फैजी के इस घटिया हरकत पर अरविंद केजरीवाल को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनका उम्मीदवार क्या क्या हरकत करता है, उनकी हरकतों पर नज़र रखनी चाहिए। अभी तो चुनाव प्रचार ही चल रहा है और अल्तमस फैजी के अंदर इतना अहंकार है कि पत्रकार के साथ मारपीट कर रहे हैं। फिलहाल प्रहार टाइम्स के पत्रकार फिरोज हाशमी ने इसकी शिकायत मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।